नगर पंचायत ज्वाली में आज नगर पंचायत कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष पद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है, जिससे ज्वाली नगर पंचायत में आखिरकार कांग्रेस समर्थित चेयरमैन की कुर्सी छीन ली गई। नगर पंचायत सचिव एवं एसडीएम ज्वाली अरुण शर्मा की अध्यक्षता में नगर पंचायत कार्यालय में आज एक बैठक हुई। इस बैठक में 5 पार्षदों ने कांग्रेस समर्थित चेयरमैन पुष्पा चौधरी के बारे में 22 अप्रैल 2019 को जो अविश्वास प्रस्ताव रखा था, चर्चा हुई। इस बैठक में 5 पार्षद मौजूद रहे और बाकी 4 पार्षद अनुपस्थित रहे। इन 5 पार्षदों ने 22 चेयरमैन तिलक रपोत्रा, दीपाली पगोत्रा, राजकुमारी ममता, सुदेश कुमारी ने चेयरमैन पुष्पा चौधरी के खिलाफ अभी विश्वास प्रस्ताव पेश किया है, जिसे आज सचिव नगर पंचायत अरुण शर्मा ने पारित कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज से नगर पंचायत अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है, जिसे भरने के लिए आगामी कार्यवाही हेतु डीसी कांगड़ा को भेज दी गई है और जब भी जिलाधीश महोदय के आदेश आते हैं तुरंत दोबारा से नगर पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव करवाए जाएंगे। 5 सदस्य थे नगर पंचायत के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उन्होंने एक रिक्वायरमेंट दिया था डिप्टी कमिश्नर महोदय को डेटेड 12/4/2019, तो उसके लिए महोदय ने मेरे को प्राधिकृत किया था यहाँ स्पेशल बैठक करने के लिए। तो आज 14/6 जो कि आज है उसके लिए मीटिंग का आयोजन किया गया था और उसमें 5 out of 9 इलेक्टेड मेंबर्स प्रेजेंट रहे और जो अविश्वास जो प्रस्ताव था रिक्वायरमेंट था वो पारित हुआ और आज की डेट से सुबह 11:30 से जो अध्यक्ष का पद है वो खाली समझा गया और अभी जो अगली कार्रवाई है वो जगदीश मुंडे को उसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा, जो भी उनके आदेश होंगे उनकी आगे पालन की जाएगी। 6/2019 को नगर पंचायत ज्वाली का जो है अविश्वास प्रस्ताव पास करने के लिए सभी पार्षदों को नोटिस किया गया था, जिसमें आज नगर पंचायत के मेजॉरिटी वोट जो है 5 पार्षद जिसमें मैं खुद था, श्रीमती दीपाली थी, श्रीमती सुदेश थी, श्रीमती ममता देवी थी, 5 लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव पर जो वोट किया है और जो हमारी मौजूदा अध्यक्षा थी श्रीमती पुष्पा चौधरी उसको आज जो है हटाया है और लोगों के जो दिल की बात थी आज सारी की सारी उनके जो है दिल में आई है और लोगों को एक काम करने की इच्छा जो है जो उन्होंने अपने पार्षद जो है चुने हुए हैं वो उनके द्वारा करने की बात है, क्योंकि आज तक जितना भी 3.5 वर्ष हो गए हैं आज तक हमारी नगर पंचायत का कोई भी काम नहीं हुआ है। अब नई अध्यक्षा का चुनाव जो है शीघ्र ही माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आदेश के अनुसार 1 महीने के अंदर अंदर किया जाएगा और जब भी अध्यक्षा का चुनाव होता है तो हम 5 लोग जो हैं मेजॉरिटी से हमारी जो भी लेडीज़ हैं उनमें एक औरत को जो है चुन करके जो एक वार्ड मेंबर को चुन करके जो है उसको अध्यक्ष बनाएंगे और सर्वसम्मति से बनाएंगे। नगर पंचायत ज्वाली के जितने भी कार्य हमारे पास काफ़ी पैसा 7-8 करोड़ रुपये पड़ा हुआ है, परंतु आज तक विकास का कार्य नगण्य, बिल्कुल मात्र 1-2 रास्तों के सिवा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी अध्यक्षा द्वारा कोई भी काम नहीं करवाया गया। उन्होंने कभी भी किसी को जो हमारे पार्षद थे जो हमारे मेंबर्स थे उनको अपने जो है विश्वास में ही नहीं लिया। अब जो है जब भी हमारी नई अध्यक्षा बनेगी तो विकास को जो नगर पंचायत का एक विकास है जिसका जो कार्य रुके हुए थे उनको एक गति मिलेगी और बिल्कुल सुचारू तरीके से जो है वो नगर पंचायत का काम चलेगा। जिनके भी थोड़ा बहुत काम रुका हुआ है, जो भी रास्ते बनाने हैं, दूसरे अन्य विकास के कार्य हैं, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है या अन्य दूसरे भी नगर पंचायत के जितने भी कार्य हैं उनको एक गति प्रदान होगी, यही मुझे मेरी आशा है और हम इसको जो है सभी सर्वसम्मति से सभी वार्ड सदस्यों को साथ लेकर के जो है वो चलेंगे और हम नगर पंचायत का पूरा विकास करवाएंगे।